देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन। राजसमंद के दिवेर क्षेत्र की दराड़ा घाटी में एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। उस हादसे में बस सवार दो लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 22 लोग घायल हो गए। इस सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और घाटी से दुर्घटनाग्रस्त बस को हटवाकर यातायात को सुचारू रूप से शुरू करवाया। वहीं आपको बता दें कि यह बस अहमदाबाद से हरिद्वार की ओर जा रही थी और इसी दौरान दराड़ा घाटी में बस तेज रफ्तार होने के चलते पलट गई और फिलहाल इस हादसे में घायल 5 लोगों को उदयपुर के लिए रेफर किया गया है। आपको बता दें, तेज रफ्तार होने के चलते ये बस अनियंत्रित होकर पलट गई और ये दराड़ा घाटी के पास की घटना है, जहां पे मौके पर पहुंची पुलिस ने घाटी से दुर्घटनाग्रस्त बस को निकाला और वहीं घायलों को अस्पताल भर्ती करवाया और गंभीर घायलों को उदयपुर जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया है। और इस सड़क हादसे में मौके पर ही 2 लोगों की मृत्यु हो गई तो वहीं 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार के चलते ये बस पलट गई और इस सड़क हादसे में करीब 2 लोगों की मृत्यु हो गई और घायलों को उदयपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता गौतम शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी गौतम, बताएं क्या था यह पूरा मामला, तेज रफ्तार के चलते बस अनियंत्रित होकर पलट गई। जी बिल्कुल ज्योति, आपको बताना चाहता है कि इस भीषण हादसे में कहीं ना कहीं चालक की लापरवाही रही है जी। इसमें चालक को नींद आने के कारण बस दिवेर थाना अंतर्गत एक दराड़ा सड़क पर मोड़ में अनियंत्रित होकर पलटी खा गई थी जी, जिससे 2 की मौत हुई है और 2 दर्जन से यात्री अधिक घायल हुए हैं, जिन्हें सूचना पर पहुंची दिवेर थाना पुलिस ने घायलों को गाड़ी से बाहर निकालकर 108 की मदद से उन्हें जिला मुख्यालय आरके चिकित्सालय पहुंचाया गया है। वही शवों को भी निकालकर आरके मोर्चरी में रखवाए हैं और क्रेन की मदद से गाड़ी को साइड में हटाकर यातायात बहाल कर दिया गया है जी। ज्योति गौतम, ये बताएं, जैसे कि आपने बताया कि इसमें बस चालक की लापरवाही सामने आई है, तो क्या बस चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया? बिल्कुल ज्योति जी, इसमें चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस इस संबंध में लापरवाही के खिलाफ, चालक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है पुलिस। जी गौतम, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।